चाहे मगरणा की विधानसभा हो, चाहे परवतन की विधानसभा हो, चाहे जैन की विधानसभा हो, चाहे खींचर की हो, चाहे नागौर की हो, चाहे डीडवाड़ा की हो, चाहे लाडनू की हो, और नवा विधानसभा क्षेत्र, नवा विधानसभा क्षेत्र की बात आवे तो थोड़ी बहुत था लोगों नचकी आ रही है, लेकिन मारवा कहना है आज की अब दूर करनी है। और विधानसभा के अंदर कोई भी प्रकार को उनको थोड़ा बहुत अटैच हुआ नुकसान हुए कि नुकसान के अंदर आप लोग देख सको कि आज दोनों है। और मैं सबसे कहा जा रहा हूँ दोनों को लोगों की बात में कह रही हूँ, एक दिन को नवा पचावन पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को वार्ड के अंदर मैं जाऊँ नवा पंचायत समिति के दोबारा दोहरों करा एक बार फिर अगर और को टाइम मिली तो और आप लोगों का उठाऊ। लेकिन आज की हाजिरी यार गाँव में नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी हाजिरी है। अब दो ही चीज की बात है कि किसान की आवाज में बुलंद लोकसभा के अंदर करोड़ों व्यक्ति अगर कोई है तो कांग्रेस आर एल पी गठबंधन में हनुमान शनिवार भारी बहुमत वहां कामयाब कर लू है। जिला पंचायत के अंदर पहली भी इतिहास रही है और जिला के अंदर काम भाई आप लोग पुराना आदमी जगह बुजुर्ग रामेश्वर की पूर्ण जी डीजी माली बैठे बैठे मुझे अगर दे रहे धाम देख लो कट्टा के ऊपर हमारे सामने सब लोगों के काम में कोई कसर छोटी कमी स्कूल की कर्मों की बात आओ, स्कूल में सब्जेक्ट की बात आओ, जरा गांव सड़कों की बात आओ, पीपा का पानी की बात आओ। अरे नावा तहसील यान की तहसील है जिसके अंदर दो पानी की योजना ना छोड़ती मैं इंदिरा गांधी नहर को पानी भी लाती और बिशनपुर बांध को भी पानी लाती हूँ आपके नावा तहसील के अंदर। राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक विधानसभा में पांच साल के अंदर 10 कॉलेज अगर पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई विधानसभा खुले तो नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 कॉलेज खोल दिया आप लोगों सब जिलों पढ़ रहे हैं बच्चा नवा कॉलेज खोल दियो, कुचामन का कॉलेज खोल दियो, कुचामन का कॉलेज खोल दियो, लूणवा कॉलेज खोल दियो, आगे कॉलेज खोल दियो, नौ कॉलेज खोल दियो, नर्सिंग कॉलेज खोल दियो, जितना भी वैकेंसी खोले थे जितना भी हो सकता उस जगह जगह सारा आप लोगों खोल दिया। आप बिल्डिंग बन रही है, सब जगह काम हो रहा है, सड़क बन रही है, आपके गांव में गांव रोड पर डामर की सड़क बात हो तो भी आज गांव के अंदर बन रही है। सड़क शुरू नहीं है आप लोगों लोग गुमराह गए कि सड़क शुरू हुई नहीं हुई आप लोग देख रहे हो आज सब जगह काम खोले कोई बात नहीं। भारत तो आप लोगों सबका निवेदन करना है पिछला पांच साल में जो विकास को काम कमेटी के नाम के ऊपर और वही लोकसभा के अंदर मजबूत आदमी को प्रतिनिधित्व जो आपके बीच के अंदर और क्योंकि मोदी सरकार आप लोगों का अन्याय कर रही है इसके खिलाफ के अंदर कांग्रेस को गठबंधन हो गया है सीकर के अंदर हो गया आज बांसवाड़ा के अंदर हो गया और 22 सीटों के ऊपर हाथ को निशान चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों के ऊपर गठबंधन को चुनाव लड़ रही है और सब जगह कांग्रेस की सरकार गठबंधन की सरकार पूरा हिंदुस्तान के अंदर बहुत मजबूती के साथ में चल रही है। भारत आपने सबका निवेदन करना है आज इतना पब्लिक एक बुजुर्ग व्यक्ति आशीर्वाद देना मैं दोनों यूनिवर्सिटी का चाहिए मैं आप लोगों का जरूर चाहिए मैं लो कॉलेज को प्रेसिडेंट रही हूँ हनुमान जी लो कॉलेज का प्रेसिडेंट रही हूँ मैं एलबीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट रही हूँ मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रही हूँ हनुमान जी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रही हूँ बात के अंदर भी एमएलए बढ़िया मैं भी एमएलए बढ़िया आज एमपी बन गया आज दोबारा एमपी बनवा की तैयारी चल रही है। भारत आप लोगों का सपना कहना है आप लोगों को ध्यान देना है 36 कौम ने साथ एक साथ लिया गरीब आदमी ने और विशेष रूप ऐसी समाज जो भव्य है आज ऐसी समाज चिड़िया के अंदर भी ऐसी समाज का लोग बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित हो। आप लोगों ने मेरा निवेदन करना है कि भारतीय जनता पार्टी का लोगों की नीत में खोट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार की नीत में खोट क्योंकि मतलब आप लोगों ने ध्यान है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को लिखे हुए संविधान जिन्हें देश की आज तक कोई भी सत्ता चेंज नहीं कर पाई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोगों की नीत में खोट है और मैं कह रहा हूं अगर मन कामयाब कर दो मैं इस संविधान में बदल देवा आज जीत आप लोगों की बात भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हम मौका नहीं कर लो है एक भी वोट आप लोग खराब नहीं जाने चाहिए दलित को वोट खराब नहीं जाए माइनोरिटी को वोट खराब नहीं जाए किसान को वोट खराब नहीं जाए और 36 कोम का लोग जगह है आप लोग इकट्ठा हो सबका धन्यवाद धन्यवाद ये लोग वापस ऐसी जीत रहा हम लोग कर और जश्न मनासिया कोई मांग हुआ है गाँव की अब आप बिल्कुल मत करो आप लोग मन बता दियो मैं गांव के बाहर काम कर रहा हूँ बस बेटिया अलग खुले ली तो भी टाइम तुम नागौर के अंदर बेटिया खुले तो चाहे जिले की बेटी हो चाहे पंचायत के अंदर रोज लगी आपकी बेटी हो आप जिले का पहली भी आप लोग बहुत कांग्रेस का गठबंधन बाकी हो तो कांग्रेस को जो गठबंधन हाथ बोतल को निशान चुका है इनके ऊपर आप लोगों ने कामयाब कर और भाई हनुमान बेनीवाल जी ने आप लोगों ने कामयाब करनी है अपील मारी है की वास्ते में आप लोगों सबने ताकि प्रमुख सबको स्वागत मानता हूँ हनुमान बेनीवाल जी ने आमंत्रित करो तो आप लोगों संबोधन करें आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग
इतने भी खड़े हो और फिर भी खड़े हो, मैं देख रही हूँ भाई गट्टा पर भी मारे नहीं है, ये तो खचाखच मैदान है, पहली मीटिंग है। और अगर कोई ना भी अगर कोई दूसरी जगह का या और भी किसी ने कोई प्रकार की गलत फहमी हुई नवा तस्वीर के अंदर, तो आज ही गट्टा को बड़ा बात कर रहा कि चार महीना का ही भारतीय जनता पार्टी का राज के अंदर जनता त्राई त्राई करी है। किस प्रकार का कांड हो रहा है, कन्हैयालाल पारीख को तीन दाड़े कांड हो गयो, चौंडिया निवासी को पुलिस को पहलू चल रही है चित्तावा के अंदर, आज तक की कोई सोच नहीं है, आज तक कोई मुंशी पकड़े नहीं गए, कहीं हालात हो रही है, लोगों की तीन दाड़े गाड़ियों में कहीं जा रही है, नवा के अंदर तीन बच्चों का अपहरण कर लिया और कोई अपहरण कर मामलों पीछे मांगा जा रहा है, डूंगर के ऊपर जगह मजदूर काम करवा जाता मगर ट्रैक्टर ट्रोलियां पकड़ी जा रही है, नहीं पकड़ी जा रही है, थमो कोई बता दो नहीं पकड़ी जा रही है, पकड़ी जा रही है नहीं पकड़ी जा रही है, बताओ कांग्रेस का राज में कोई ट्रॉली किसी की पकड़ी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज के अंदर 27-27 गिफ्टी गिफ्टी इनके अंदर इनके अंदर नब्बे नब्बे हजार की रसीदा काटी गई है, मजदूर परेशान हो चुके हैं, हर वर्ग परेशान हो चुके हैं, चार पंच का शासन काल हो, जो मौको है आप लोग करने कि देश के अंदर कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनानी है और नागौर भाई हनुमान बेनीवाल जी ने भारी बहुमत को जिताए और एक बार फिर हमारा निवेदन के ऊपर की नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 20-25 हजार वोटों की लीड भाई और हनुमान बेनीवाल जी देनी है, इसके बाद आप लोगों का हमारा निवेदन है। अब आप लोग सब लोग हाथ खड़ा कर हनुमान जी समर्थन करो, सब लोग हाथ खड़ा करो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिया के अंदर गिरिया पाठ पूरा अध्यक्ष ग्राम पंचायत के तीनों गांव है, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा धन्यवाद दूंगा कि आज मेरी नवा विधानसभा क्षेत्र की पहली मीटिंग है, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बड़े भाई नंदा जी और कांग्रेस की पूरी टीम जिस दिन मैंने एंट्री की थी कुचामण पर्वत से उस दिन से नवा कुचामण का कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता या मेरे भाई के दिन खरीद सारी टीम मेरे मंडल के सरपंच सारी टीम पहले दिन से जीत आम से लगे थे, पहले दिन जो आपका जोश देख रहा था उसी से मुझे लग गया था कि नवा के अंदर बड़ा बदलाव होगा और आज दुनिया की मीटिंग देख के मीटिंग मैंने पिछली बार दुनिया के बीजेपी के साथ आया था तभी बड़ी मीटिंग नहीं लिखी और आज आपका जोश देख के लग रहा है कि आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दोगे। मैं नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुटामण के अंदर जब भी बजट राजस्थान सरकार का पारित होता मुख्यमंत्री जवाब देते तो आधे में नरेंद्र जी बजट ले जाते थे पूरा हमारे तो कम पहुंचता तो कह रहा था मेरा पुलिस कोटा नहीं पानी ले आया इतना जल्दी नहीं रहा विकास के अंदर कोई कमी नहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विकास अवरुद्ध था पिछले कई वर्षों से उस विकास को नवा में गति मिली, राजस्थान सरकार का खूब पैसा नवा के अंदर आया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार अगर आपने जीता के भेजा एक टिकट तय करके बता दें नवा कुछ में एक केंद्रीय विचार हम करवा देगा आपने नवा का नमक उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा नमक नवा और सांभर एक नमक खा रहा है इंडिया तो मुझे जो जागृत थी पिछले सालों में यहाँ नजर आ रही है निश्चित रूप से जो शिक्षा की क्रांति और आंधी नागौर में चली है उसमें कुचामण नामक का महत्वपूर्ण योगदान है, इधर से आपने उस साइड की तरफ आंधी को बढ़ाया, नागौर में शिक्षा थी नहीं पहले, हमें याद है 98-99 के अंदर आए थे और पढ़ाई की बात करते तो लोग कहते थे किताब बात ही नहीं थी, अब पढ़ाई की बात चली नौकरियां भी लगी सारी बातें आपके सामने आई, दुर्भाग्य इस बात का जिस कन्हैयालाल के मर्डर की बात में देखे कहीं निश्चित रूप से अभी तक चिताव थाने के अंदर मौजूद नहीं पकड़े गए और तो और भजनलाल मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है उसके बेटे ने भी कतल कर दिया, बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीएम की सिक्योरिटी का धंधा और उसका बेटा कतल कर दे और मुख्यमंत्री मोहन हो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मैं इसको निकालता हूँ इसको सस्पेंड करता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयो कहा से सीएम लागे बिठाया मैं तो पूरा भाषण सुन रहा था वो कह रहे थे कि फ्लैट लाइट पर फ्लैट कह रहा था और कह रहा था मेरी रात
प्लेट में नहीं उठ सकते, फ्लाइट के देता फ्लाइट रात में नहीं उठ सकती। मोदी जी को श्रद्धांजलि, मेरा मैं देखे ही मानो मैं छोड़ो नहीं रहा। आपको मैं बता दूं कि तीन चार महीने हमें भी देखते हुए बड़ी खुशी हुई, इनामों को मंत्री मिला, कभी उम्मीद करी थी अब कुछ काम हो गए, काम हो ही नहीं रहे। कहाँ काम हो रहे बताओ मुझे, एक सिंगल काम नहीं हो रहा भाई। और बुरा हाहाकार राजस्थान में पहुंचा है। ये तो कितनी गरीबों की योजना है, लाए थे पिछली बार उनको भी बंद करने के अंदर खुला है। और इलेक्ट्रॉन बोर्ड के नाम से जो चंदा देश के अंदर किया है उसमें एक कंपनी का नाम आया है जो गाय के मांस का निर्यात करती है, उसे भी पैसे नहीं गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कोइन के अंदर 50 लाख भरे लंपी से गाय ने दम तोड़ा, नहीं बोले वो लोग। मैंने प्रयास किया, मैंने दिन आपको सारी बात बताई। मैं चाहता था दिल्ली में मोदी सरकार के अंदर मंत्री बन सकता था। देश का किसान तकलीफ में था, पुकार रहा था यूपी हरियाणा दिल्ली का किसान कि आओ हमारे नेताओं को जंग लग गई, हनुमान जी लड़ाई आप लड़ो भाइयों, चाहे कुछ भी आपने कहा हो, बीजेपी लोगों ने फैसला कर दिया मुझे। लेकिन गठबंधन में था, दूसरी तमाम जगहों भाजपा को वोट दिलाई थी राजस्थान के अंदर, मिशन प्रतीत पूरा हुआ। तब मैंने देश के किसान नेताओं को कहा कि मेरी कुर्बानी से अगर किसान को मजबूत होती है तो मोदी की सत्ता को ठोकर मारता हूँ, वो सत्ता को ठोकर मार कर सड़क अग्निपथ योजना। आज इस नावा से लेकर पूरा खेल का इलाका जो पुराना घेरा था, शेखावाटी अंचल के बाद सबसे ज्यादा किसान कमेटी के बॉर्डर पे स्वागत देते, रखवाली करते, चाहे पेरा मिलती फोर्स बस्ती के अंदर हमारे बच्चे। लेकिन अग्निवीर योजना लाके उनके जज्बे को तोड़ा, सेना के सम्मान को ठेस लगाई और उस आंदोलन को भी देश के अंदर सबसे पहले किया मजबूती के साथ। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को कहता हमारे जमीन की तरफ आपको खेलने के लिए। परिणाम यह हुआ कि 25% बच्चे टूटे तो वापस रखने की बात थी, अब यह हुआ आधे बच्चों को रखेंगे, आधों को वापस रखेंगे। आप मुझे दिल्ली भेज दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अग्निवीर का मामला खत्म करा के पूर्व भारतीय सेना भर्तिया लेंगे। पहलवान बेटियों का मामला हो, जब देश बिगाड़ रहा था जो चीज को हरियाणा के रहने वाली है, वो तो पहलवान के आसपास के गांव में था, इनको जाना चाहिए मिलने के लिए, कोई नहीं गया। देश से पहला शासन अगर गया चुना हुआ उन बेटियों को न्याय दिलाना है तो नागौर का शासन गया वो कहता कोई भी मांग नहीं होगा, इनको न्याय मिलेगा। और भाइयों न्याय दिला के एकदम लिया उसका चालान कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंत्री जी ने सारी बात आपकी बताई, राजस्थान सरकार के काम भी आप चिंता नहीं करें। जब वो वसुंधरा का काबू नहीं है, ये तो भजनलाल है जोड़े का काम अपना रखेगा नहीं। आप तो एक बार नामा करते बाहर बहुत बड़ा हल्ला है, ज्योति करे 60,000 क्षेत्र में 60,000 जूता मिलेगा, आपने ऐसा क्या कर दिया। तो नावा के अंदर आपको एक संदेश देना है कि नावा के लोग व्यक्ति के पीछे है, कोई पीछे लोग नहीं है पार्टी में, कोई पार्टी है उसी के साथ हो रही है। आपको संदेश देना है हमें नागौर के सम्मान को बढ़ाने वाले, इस प्रदेश के लंबित मुद्दों की बात लोकसभा उठाने वाले, प्रदेश के अंदर बदरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, टोल मुक्त राजस्थान फ्री मिलने की बात करने वाले, हम हमारे भाई के साथ रहेंगे। जो लोकसभा के अंदर पेपर लीक से लेके तमाम प्रदेश के घटनाएं उनको पूछो तरीके से उठाया और सब समाज की लड़ाई लड़ी, हमेशा मुझे लगता हुआ देखा। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि डॉक्टर ज्योति को लोग भेजो वापिस हरियाणा। एक एक आठ रुपए को वोट कैसे मारने क्या स्थिति होगी, क्या आप जो खाली स्टेट के लिए है, आचार्य गाय है, सुनो आगे सुनो, आचार्य गाय है। एक आप चिरकली जो करते हैं ना चिरकलीमा बदलो चिरकली कर भेजा भाई ने साथ भेजा नहीं जा रहे चिरकली ने भेजो साथ रहे तो साथ चिरकली तो भेजो साथ रहे भाई ने भेजो साथ रहे और भाई ने भेजो चिरकली जिस जगह वो है भाई को देखा। उस समय सब
सब लोगों ने मिलके और मैं बीजेपी के सारे लोगों का आज ज्योति मिर्जा की मदद करी है, कैंडिडेट बना के लाए थे सब लोग, भूख जी थे, हम सब थे, मदद करी और 914 का जो कार्यकाल था 100 रुपए दिल्ली के खर्चे नहीं हुआ, आपके यहाँ भी 1 रुपये उसमें खर्च नहीं हुआ था और न वहाँ हमारे दिल्ली का 1 पैसा खर्च हुआ जबकि दिल्ली में सरकार थी, ताकि तो लोगों को बहुत कुछ करना चाहती भाइयों, हमने प्रयास किया सरकार से लड़े, प्रयास किया कैंसर केंद्रीय विद्यालय, सारे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरण, आपको सेंट्रल रोड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सारा काम आपने देखा है, तो केजरीवाल को लोग जाके ससुराल भेजो, अपने भाई को लोकसभा के सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ नावा के अंदर हमेशा तैयार हूँ, केंद्र की जो भी योजना है वो नावा के अंदर लाएंगे और अगली बार हम ये भी प्रयास करेंगे कि नावा का जो नमक का पैसा इनको रेवेन्यू दिल्ली वालों को आता है ये यहाँ CSR फंड 1 रुपये भी खर्च नहीं है, तो CSR फंड दिल्ली वाले सारा ले लेते हैं इनका, तो CSR फंड अगर इनका अपने यहाँ खर्च करेंगे तो नावा सामर के आसपास का अपना इलाका है वह अच्छी सड़कें बनाई जाती है, नासिक देश सीमेंटेड उसका एक सड़क अपन प्रयास किया था बहुत कम हुआ, अगर 50-40 करोड़ रुपए इनसे ले लेंगे आसपास की सड़कें ठीक हो जाएगी, इस बार अपन मिलकर प्रयास करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोतल का चुनाव चिन्ह है और ज्योति मिर्जा ने बोतल के नीचे बल्ले वाले को खड़ा किया और बल्ला क्यों से मैं 5,000 करोड़ ले गया था, बल्ला बोतल जैसे ही निकल गई है तो गलती से बल्ले में भी बहुत बड़ा आ रहा था, ध्यान रखना 3 नंबर 1 बसपा 2 बीजेपी और 3 नंबर पे RLP कांग्रेस चिन्ह बोतल का है, फोटो मेरी है, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, सब समाज को धन्यवाद दूंगा, हमेशा आशीर्वाद किया आगे भी आशीर्वाद देना, सत्ता छोड़ के 25 साल जो सड़कों में संघर्ष किया उसका परिणाम आपको देना है और राजस्थान में संदेश देना है कि नावा भारतीय जनता पार्टी की कोई राजधानी नहीं है, नावा व्यक्ति के पीछे किसी पार्टी के पीछे नहीं, हर किसी को उठा के भेज दोगे तो नावा में नहीं जीतेंगे, अयो 3-4 महीने पता लगा क्या मंत्री जी कितने काम कर लगा नहीं लगा पूरा पता, मैं लगा 2-4 दिनों घूमने लग जाएगा पता, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।